मेरे माजी से बात की, मुझे नहीं लगता आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे नहीं पता बड़े घरों में लोग बड़े लोगों की इज्जत कैसे की जाती है, लेकिन मामी भाभी ने जिस तरह से बदतमीज से बात की है माजी से, मुझसे तो देखा नहीं गया। इतना चिल्ला रही थी, इतने गुस्से से बोल रही थी वो माजी से। माजी को भी ऐसा ही लगा था, शायद इसीलिए उन्होंने बात को समझा, बात को सुलझाने के लिए भाभी को यहाँ बुलाया था। लेकिन शायद उनको लगता है कि उनके मुझे नहीं पता कि बड़े घरों में जैसे बड़ों से कैसे बात की जाती है, लेकिन जैसे मामी भाभी ने माजी से बात की ना, मुझे बहुत बुरा लगा। इतनी बदतमीजी से बात की, उनसे इतना भला बुरा कहा। माजी को भी ऐसा ही लगा था कि वो मानवी भाभी को बुलाएंगी तो बात को संभाल लेंगी, उन्हें समझा देंगे, लेकिन मानवी भाभी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। उनको लगता है कि उनके भाई का खून आपने किया, इसीलिए सारा गुस्सा उन्होंने माजी पर निकाल दिया, उनसे बदतमीजी से बात की। मानवी भाभी को लगता है कि उनके भाई का खून आपने किया, इसीलिए सारा गुस्सा उन्होंने माजी पर निकाल दिया। माजी को बहुत बुरा लगा, बहुत ही परेशान हो गई, इसीलिए मैं अभी उनको कमरे में सुना कर आई हूँ। मोहम्मद आपने बोला मेरी तरफ देखो राहुल, मेरी तरफ देखो राहुल। मानसी वहाँ पे बैठने के बाद उनका खाली लाइट उनके पीछे ले। मैं इधर बैठा हूँ। कैमरा सर क्या एक्शन
एक्शन। देखना एक बार पीछे तुम्हारा सुन मांगने की नहीं तो हरा।